हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा खनिज के कोयला के बारे में। ठीक है, ऊर्जा खनिज कोयला के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए बात करते हैं हम कोयला के बारे में। बात करेंगे हम कोयला के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा जो है वो है तृतीय कल्प क्षेत्र। बात करेंगे गोंडवाना क्षेत्र के बारे में पहले, तो ध्यान से सुनिएगा। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा ताप उत्पादक शक्ति जो है वो अधिक होती है। जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र की बात करें तो तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला घटिया किस्म का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता, मतलब सल्फर की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र लगभग 90% से ही प्राप्त होता है, मतलब कि गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है अधिकांश कोयला। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। बिटुमिनस, ठीक है, कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें जो है सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र वाले जो कोयला है, ठीक है, उस कोयले का नाम लगभग बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है गोंडवाना क्षेत्र से। ठीक है, और लगभग 90% जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही जो है प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो है सल्फर की मात्रा न्यून होती है, मतलब न्यूनतम होती है, कम होती है सल्फर की मात्रा। ठीक है, जिससे जो है कोयले में जो है गोंडवाना क्षेत्र के कोयले में जो है राख की मात्रा कम होती है, ताप उत्पादक शक्ति अधिक होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो है सल्फर की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2007 से 8 के आंकड़ों के अनुसार कोयले के शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश हैं। अगर आगे बात करें 2018 की, ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन के शीर्ष 5 राज्य क्रमशः उड़ीसा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, झारखंड तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे और तेलंगाना जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये 2018 के अनुसार है कोयला उत्पादन। ठीक है, आगे बात करें तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, कोरबा कोयला क्षेत्र, ठीक है, किस राज्य में कहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है तैयार कर लेना। ठीक है, वैसे तैयार आपको पूरा करना है जितना वीडियो में मैं बता रहा हूं, लेकिन इन सारी चीज़ों पर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। ठीक है, कोरबा जिले में ही हसदेव बेसिन नदी के, ठीक है, बेसिन क्षेत्र में हसदेव नदी में अवस्थित है। ठीक है, तो उसी से जो है
लगा हुआ जो है उसी के समीप जो है कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में ही। ठीक है, तालचीर ओडिशा के अंगुल जिले में, उड़ीसा के अंगुल जिले में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी आईएएस के पेपर में। ठीक है, तालचीर ओडिशा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो झरिया कोयला क्षेत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आप सारे पॉइंट्स जो है तैयार कर लेना, ठीक है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।